हरियाणा के सियासत में तब्दीली लाने के लिए खबर भी आज सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आज सामने आई, जेजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को समर्थन अपनी ओर से अशोक तंवर जीते नजर आए। साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें कही, उनमें से एक थी 36 बिरादरी को दुष्यंत का समर्थन देना, ये उनकी बात बड़ी थी। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना एक बार फिर से साध दिया, कांग्रेस में हमारी अनदेखी की गई, ये कहना है अशोक तंवर का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही। कांग्रेस का घमंड टूटेगा, ये भी अशोक तंवर ने कहा। कुछ हलकों में जेजेपी का समर्थन वो करेंगे, ये उन्होंने जानकारी दी है प्रेस वार्ता करके। और दुष्यंत चौटाला उनके साथ ही बैठे थे, उन्होंने ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला ने मुझे फोन किया, समर्थन मांगा और जो भी उन्होंने कहा उसको लेकर उन्होंने सोचा विचारा, उसके बाद ये प्रेस वार्ता की गई है। हमने प्रदेश की राजनीति में लैंड माइंस बिछा दी है, ये कहा अशोक तंवर ने। आज से शुरू होगी सर्जिकल स्ट्राइक, ये भी अशोक तंवर का कहना था। दुष्यंत चौटाला को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात कही अशोक तंवर ने। साथी हैं जो अच्छे साथी हैं पूरे हरियाणा के, अलग अलग विचारधाराओं से पार्टियों से उनका संबंध है, तो उनको हम समर्थन करेंगे। और उस कड़ी में जजपा के हमें उम्मीदवार अच्छे लगे हैं और उसके साथ साथ और भी बहुत पार्टियों का हमेशा रोज आ रहे हैं, कोई रात के अंधेरे में आ रहे हैं तो कोई खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो मेहनत करी है लोग उसका रिवार्ड चाहते हैं।